फ्रेंड्स देखिए कितना पसीना आया है। इतना पसीना आने के लिए मैं कौन सा एक्सरसाइज करती हूँ देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग से थोड़ी बहुत शेयर कर लेती हूँ। ऐसे तो मैं 1 आवर का एक्सरसाइज करती हूँ, बट 1 आवर पूरा तो मैं आप लोग से शेयर नहीं कर पाती हूँ ना, इसके लिए मैं थोड़ा सा शेयर करेगी। ये एक्सरसाइज को मैं रिपीट करके 1 आवर तक करती हूँ फ्रेंड्स, और बहुत कुछ एक्सरसाइज मैंने इसमें दिखाई नहीं, बाद में और कभी मैं आप लोग से शेयर करेगी। स्टार्टिंग में एक 5 मिनट वार्म अप करती हूँ फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड की हूँ, एकदम ज़्यादा भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ा ही की हूँ, तो क्योंकि बहुत ही लंबा हो रहा था तो छोटा ही मुझे वीडियो अपलोड करना था इसके लिए। और आज मैं क्या क्या खाई थी वो भी मैं वीडियो शॉर्ट में बना के रखी हूँ, वो भी मैं अपलोड कर देगी इसके बाद। स्टार्टिंग में 2 दिन बहुत ज़्यादा मुझे बॉडी पेन, कमर दर्द ये सब हो रहा था फ्रेंड्स, अभी कुछ नहीं, अभी ओके है। बहुत दिन के बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट की थी ना फ्रेंड्स, पहला तो 15-20 मिनट का करती थी मैं बीच बीच में, बट अभी कंटिन्यू मैं 2 वीक्स वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट किया ना उसके बाद मैं करने लगी ना, तो अभी 3 दिन से मैं 1 आवर का एक्सरसाइज स्टार्ट की हूँ, नहीं तो हाफ एन आवर ही करती थी ना। फुल बॉडी का एक्सरसाइज करना है फ्रेंड्स, तो किधर किधर फैट है उधर से फैट लूज़ हो जाएगा, तो वो सोच के मैं फुल बॉडी का एक्सरसाइज करती हूँ। तो देखिए ये सब एक्सरसाइज पेट के लिए भी अच्छा है, फुल बॉडी के लिए भी अच्छा है। जंपिंग जैक्स तो मैं 200 करती हूँ फ्रेंड्स, एक ही बार नहीं 50-50 करती हूँ। ये सीधा हाथ वाला 50 करती हूँ, और ऊपर हाथ लेके जाते हैं ना जंपिंग जैक्स में, वो भी 50, ऐसे करके मैं 4 बार करती हूँ, तो 200 एवरी डे करती हूँ फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज में पूरा आपका बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स आपको भी जंपिंग वाला ही एक्सरसाइज करना है, नहीं आप खड़े खड़े भी कर सकते हो, बट मैं कर पा रही हूँ मीन्स मुझे आदत है, पहले से मैं करती थी इसके लिए मुझे आदत है, मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स अभी वही कंटिन्यू कर रही हूँ। ये सब एक्सरसाइज मैं 30-30 करती हूँ फ्रेंड्स, 30-30 का 2 सेट नहीं तो 3 सेट टाइम के ऊपर है, और मैं कितना एक्सरसाइज करती हूँ उसके ऊपर है फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। अभी जंपिंग जैक्स में 50 करती हूँ, 4 सेट करती हूँ, तो ये सब एक्सरसाइज में 30-30 करके 2 नहीं तो 3 कर लेती हूँ फ्रेंड्स, और बीच बीच में मैं एक्सरसाइज ऐड करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है आज की हूँ वो ये एक्सरसाइज कल उतना ही करेगी, नहीं कल चाहे तो इसमें से 2 छोड़ देगी, दूसरा 2 एक्सरसाइज ऐड करेगी, ऐसे करेगी फ्रेंड्स। बीच बीच में ऐसे करना भी जरूरी है, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज हम लोग का बॉडी को भी आदत हो जाएगा तो बॉडी बाद में रिएक्ट करना भी छोड़ देगा, इसके लिए एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज में चेंजेस लाते रहने का। मैं अभी ज़्यादा एक्सरसाइज में ध्यान दे रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे इंचेस लूज़ करना है, मेरा बेली फैट मुझे कम करना है फ्रेंड्स इसके लिए, क्योंकि जिद्दी है, बहुत सालों का बेली फैट है ये अभी कम करने में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो कितना हो पाते उतना ट्राई करेगी फ्रेंड्स, देखेंगे कितना कम किया मीन्स अभी थोड़ी बहुत कम करना है वो भी कम कर लेंगे, देख कोशिश करके आ रहेगा तो बात अलग है फ्रेंड्स, कोशिश करे भी ना हार मानेगा तो वो गलत बात है, इसके लिए मैं कोशिश जारी रखेगी। मैं ऐसे तो 3 बार वेट लूज़ कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, एक बार 21 किलो, दूसरा बार में 11 केजी, तीसरा बार में 6 किलो। तो मैं गांव गई थी तभी 2 बार मैं वेट गेन करके आई थी, वो मैं वेट कम किया इधर आने के बाद वेट लूज़ की हूँ फ्रेंड्स, बट इस बार मैं गाँव नहीं जा रही हूँ, इसके लिए अच्छा है एटलीस्ट मेरा वेट मेंटेन में रहेगा फ्रेंड्स। गाँव जाएगा तो पता नहीं फ्रेंड्स मुझे क्या हो जाते हैं, मैं सब कुछ खाने लग जाती हूँ, थोड़ी दिन के लिए सब कुछ अच्छे से फॉलो कर लेती हूँ, बाद में मैं सब कुछ खाने लग जाती हूँ, स्वीट आइटम सब कुछ खाने लग जाती हूँ। इधर तो अच्छे से मैं सब कुछ फॉलो करती हूँ फ्रेंड्स, शुगर आइटम सब मैं इतना जल्दी हाथ नहीं लगाती हूँ। तो उधर जाने के बाद मैं 2 बार भी वेट गेन करके आई थी, तो अच्छा है इस बार नहीं जा रही हूँ मैं। ये सब एक्सरसाइज आप कड़े कड़े भी कर सकते हो फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, कड़े कड़े भी ये एक्सरसाइज करेगा तो भी चलेगा। अभी ना अभी समर है तो 10-15 मिनट भी आप एक्सरसाइज करेंगे ना अच्छा खासा पसीना आ जाएगा फ्रेंड्स बॉडी से पसीना जाना जरूरी है। ऐसे पसीना जाने से हम लोग एक्सरसाइज करके पसीना जाता है ना उसमें हम लोग का वेट लॉस जाने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट मिलता है फ्रेंड्स, इफेक्ट होता है। तो देखिए ये भी नीचे झुक के बाद में जंप करने का, जंपिंग जैक्स कैसा करता है ऐसे सेम टू सेम है, बट इसमें नीचे झुक के हाथ को जमीन पे टच करके बाद में ऊपर जंप मारने का फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। ये भी बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, ये तो क्या है रनिंग ही है, तो आप जो खड़े खड़े स्लोली भी रन कर सकते हो, थोड़ा फास्ट भी रन कर सकते हो, तो इसमें से पूरा बॉडी का एक्सरसाइज हो जाएगा आपको। ऐसे 2-3 एक्सरसाइज आप दिन में करेगा तो भाई इनफ है फ्रेंड्स, देखिए कितना पसीना आ गया मुझे,
तो मैं ऐसे वीडियो चालू रखी थी तो बहुत ज़्यादा मेरा एक्सरसाइज कैच हुआ था। मैंने बहुत कुछ मैंने कट कर दिया। उसके बाद मैं थोड़ी बहुत ही आप लोग से मैं शेयर करी हूँ। देखिए ये ड्रिल हम लोग स्कूल में करते थे, वही ड्रिल कड़े कड़े आप करेगा तो भी फुल बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है। ये ट्विस्ट कर रही हूँ कमर के लिए, तो मैं ऐसे एक्सरसाइज करती हूँ फ्रेंड्स, फुल बॉडी का एक्सरसाइज हो जाए। मैं 80 किलो की थी ना फ्रेंड्स, तब भी मैं सुबह शाम ऐसे एक्सरसाइज करती थी, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताइए। ऐसे आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके खाने पीने में अच्छा ध्यान रख के आप अपना वेट लूज कर सकते हो। स्किपिंग रोप के बिना मैं स्किपिंग कर रही हूँ देखिए फ्रेंड्स, तो इसके बाद माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद मैं प्लैंक एक्सरसाइज, मेरा लास्ट एक्सरसाइज है ये माउंटेन क्लाइंबिंग है। प्लैंक एक्सरसाइज अभी मैं ओनली 2 मिनट का कर रही हूँ फ्रेंड्स। 1 मिनट का अलार्म लगाती हूँ, उसके बाद गैप लेके फिर से 1 मिनट का अलार्म लगाती हूँ। पहले मैं 1-1 मिनट का 5 बार करती थी फ्रेंड्स। चलिए आज के लिए।